संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है और आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। बुधवार को टीडीपी सांसद की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूर किया था, जिसके बाद उस पर चर्चा के लिए शुक्रवार का दिन तय हुआ था। लिव अपडेट्स रात के 10:24। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। 2009 से 2014 तक बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा। आज़ादी के 60 साल में हमारे देश के बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी वो 18 लाख करोड़ थी, लेकिन 2008 से 2014 के बीच यह राशि 18 लाख से 52 लाख करोड़ हो गई। रात के 10:21। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान टीडीपी के सांसद नारेबाजी कर रहे हैं। रात के 10:19 पीएम मोदी ने कहा, आंध्र के लोगों की हमें चिंता, टीडीपी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यू टर्न लिया। मैंने चंद्रबाबा नायडू जी को हिदायत दी थी, चंद्रबाबा नायडू वाईएसआर के जाल में फंस गए। रात के 10:14 पीएम ने कहा, कांग्रेस की वजह से तेलंगाना का विवाद, भारत और पाक का विभाजन भी आपकी करतूत। रात के 10:09 पीएम मोदी ने पी चिदम्बरम के पुराने बयान का किया जिक्र, तब चिदम्बरम ने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था। रात के 10:08 पीएम ने कहा, कांग्रेस तो डूबी हुई है, उनके साथ जाने वाले भी डूबेंगे। रात के 10:05 पीएम ने कहा, हम चौकीदार भी हैं, भागीदार भी हैं, लेकिन आपकी तरह ठेकेदार नहीं हैं, हम गरीबों, किसानों और नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं। रात के 10:02 राहुल गांधी के आंख मारने पर पीएम का तंज, आज इन आंखों का खेल पूरा देश देख रहा है। रात के 10:00 राहुल गांधी को आंख में आंख डालने वाले बयान पर पीएम बोले, आप हम गरीब हैं, हमारी हैसियत आंख में आंख डालने की नहीं, आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। जिन लोगों ने आंख में आंख डालने की कोशिश की उनके साथ क्या किया गया, इतिहास गवाह है। रात के 9:56 मोदी ने कहा, गाली देना है तो मुझे दो, देश की सेना को नहीं। रात के 9:57 1979 में चौधरी चरण सिंह जी को पहले समर्थन का भ्रम दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, यह किसान नेता का अपमान था, यह फॉर्मूला लंबे समय तक चलता रहा। रात के 9:56 पीएम मोदी का सोनिया गांधी पर तंज, जुनंब का दावा कर रहे हैं, ये उनका अहंकार है। रात के 9:55 पीएम ने कहा, राफेल पर गुमराह किया गया, देश के सेना अध्यक्ष के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बचकानी हरकत से बचना चाहिए। रात के 9:50 राहुल गांधी पर पीएम पर तंज, डोकलाम के विषय पर अगर जानकारी नहीं है तो बोलने से बचना चाहिए, जो डोकलाम पर बोलते हैं वो चीनी राजदूत से मिलते हैं, देश की सुरक्षा को लेकर ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए। रात के 9:48 राहुल गांधी पर पीएम पर तंज, आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है, भगवान आपको इतनी शक्ति देगी 2024 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े। रात के 9:45 पीएम ने कहा, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है, उनको ईवीएम, चुनाव आयोग, न्यायालय, आरबीआई जैसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। रात के 9:40 जब हम डिजिटल लेनदेन की बात करने लगे तो सदन में बैठे लोग बताने लगे कि हमारे देश में लोग अनपढ़ हैं, ऐसे लोगों को हमारे देश की जनता ने तमाचा मारा है, इनकी यही मानसिकता गलत है। रात के 9:37 हमारी उपलब्धियों पर विपक्ष को विश्वास नहीं। रात के 9:36 पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा। रात के 9:32 हमें कहा गया कि जब मैं बोलूंगा तो आप 15 मिनट भी नहीं टिक सकेंगे, मैं उपलब्धियों के साथ खड़ा हूं। रात के 9:28 पीएम मोदी ने कहा, हम यहां इसलिए हैं क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों का हमें आशीर्वाद है, आप इस प्रस्ताव के जरिए उन लोगों का अपमान न करें। रात के 9:24 मोदी ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के बहाने अपने कुंडे को जमाने की कोशिश की गई है। रात के 9:20 राहुल गांधी के गले मिलने पर पीएम मोदी बोले, कुर्सी पर पहुंचने की जल्दबाजी है। रात के 9:19 पीएम मोदी ने कहा, संसद में बहुमत नहीं फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। रात के 9:17 पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया। रात के 9:14 कैराना से आरएलडी सांसद तबासुम बेगम ने कहा, समाज का कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं,
सरकार किसानों को उनका हक नहीं दे रही है। मैं महिला सांसद हूं, महिला होने के नाते कहना चाहूंगी कि सरकार ने बेटियों को महफूज करने का कोई माहौल नहीं बनाया। जेड न्यूज़ की रिपोर्ट।